Our next topic from the systemic surgery is about the head and neck. This may first of all discuss about the UQs from the salivary glands uh, disorders of minor salivary glands. A young girl of 17 years of age presents with a painless cystic, cystic swelling of one centimeter in size on the inner surface of the lower lip, it is transluminant. What is your diagnosis? So, स्लिवरी ग्लैंड यू नो दैट हमारी बॉडी में मेजर uh, जो है स्लिवरी ग्लैंड होते हैं और माइनर स्लेवरी ग्लैंड होते हैं मेजर स्लेवरी ग्लैंड जो हैं वो तीन होते हैं जिसमें पेरोटेड ग्लैंड होते हैं दो सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब ब्लिंगल ग्लैंडस होते हैं और जो माइनर सिलवरी ग्लैंडस होते हैं वो तकरीबन जो है फोर फिफ्टी ग्लैंड होते हैं विच आर प्रजेंट इन द सब मिकोज ऑफ द ओरल कैिटी अब जो मैक्सिमम इसकी जो से सेवरी स्लिवरी ग्लैंड्स में से स्टिक्रीशंस निकलती हैं स्लाइवा निकलता है वो होता है फोर एम एल पर मिनट एक मिनट में चार एम एल जो निकलता है और ट्वेंटी फोर आवर्स में सेवेंटी परसेंट जो स्लाइवा है वो सब मेडिकलर ग्लैंड रिलीज करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट पेरोडिट करता है और फाइव परसेंट जो है सब ग्लैंड करता है स्लाइवा का क्या काम होता है यू नो दैट के इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड स्लेवा में हेल्प करते हैं इस वजह कहते, कहते हैं ज़्यादा चबा के खाना चाहिए ताकि डाइजेशन ऑफ फ़ूड जो है इनिशियल ज़्यादा हो जाए लुब्रिकेशन ऑफ फूड करता है इसके अलावा इट हैज़ क्लिनिंग प्रॉपर्टी एज वेल एज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी डिसऑर्डर्स ऑफ माइनर सिलेवरी ग्लैंड में ये होता है कि जो छोटे छोटे फोर फिफ्टी ग्लैंड हमने देखे हैं उनकी सिस्ट बन सकती है या ट्यूमर्स बन सकते हैं सिस्ट होते हैं मोस्टली लोअर लिप पे बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो जो सिस्ट है उसकी हम सर्जिकली एक्सन कर देते हैं ट्यूमर जो हैं वो हमारे जो नाइन परसेंट ट्यूमर्स होते हैं वो माइनर लिब ग्लैंड से बनते हैं और मलेग्नेट होते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होता है वाइड लोकल एक्सन जो अभी हमारा मेन टॉपिक है इसमें से जिसमें से यू क्यू आया हुआ है दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ सबलिंगुअल लिंगल ग्लैंड में से रेन्यूला तो यू शुड नो दैट रेन्यूला जो है जैसे आप ये पिक पिक्चर नजर आ रही है फिगर नज़र आ रही है ये लिप के नीचे जो है आपको ब्लू कलर का फ्लक्चुएंट सा जो है ना ट्रांसलूसेंट स्वेलिंग नज़र आ रही है फ्लोर ऑफ माउथ में और ये ऐसे लग रही होती है जैसे फ्रॉक की बेली है इट इज़ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सब लिंग ग्लैंड सब लिंग ग्लैंड की म्यूकस रिटेंशन सिस्ट बन गई हुई है और ये ट्रांसल्यूसेंट स्वेलिंग है और फ्लोर ऑफ माउथ में है और फ्रॉग बेली लाइक है इस वजह से इसको रेन्यूला कहते हैं ठीक है अब ये जो स्वेलिंग होती है ब्रूइश इन कलर है जैसे कि मैंने आपको कहा फ्लक्चुएंट होती है ट्रांसलुमिनेंट होती है और इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि इसकी हम एक्सियन कर देते हैं और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है क्योंकि उसकी म्यूकस रिटेंशन की वजह से बन रही है ना तो सबलिंगुअल ग्लैंड को भी अलॉन्ग विद दैट हम रिमूव कर देते हैं इसके अलावा प्लंजिंग रेनुला प्लंजिंग रेनुला ये होता है कि वो रेनुला जो है इतना भर जाता है कि वो नीचे आ जाता है मतलब कि सब लिकुल ग्लैंड या सब मेडिकुलर ग्लैंड की अगर म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है लेकिन वो रेनुला अगर माइलो हाइडोड मसल को पेंट्रेट करके नीचे आ जाता है गर्दन के अंदर तो एक डम शेप्ड स्वेलिंग बन जाती है मतलब कि ये फॉर एग्जांपल माइलो हाइड्रोयड मसल है ना तो इसके ऊपर ये स्वेलिंग ब्लूइश कलर की बनी हुई थी ये इसको पेंट्रेट करेगी स्वेलिंग और नीचे गर्दन में आ जाएगी तो इस तरह डम शेप्ड जैसे डम्बल होते हैं ना वैसे शेप बन जाएगी इसकी तो ये डम्बल शेप बन जाता है इन द सब मैंटल और सब मैनिबुलर रीजन ऑफ नेक ये सॉफ्ट फ्लक्चुएंट होती है पेनलेस होती है तो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं क्लिनिकली डायग्नोस कर लेते हैं इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एम आर आई कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा सिस्ट को हम एक्साइज कर दें अलॉन्ग विद द सब और सब मैनिबुलर ग्लैंट जिसकी वजह से ये बन रही है ट्यूमर्स जो हैं हमारे सबलिंग ग्लैंड के एटी फाइव परसेंट केसेज़ में मलेगनेंट होते हैं तो उनका जब ट्यूमर बनता है तो हम वाइड एक्सन ऑफ ट्यूमर करते हैं और नेक डाइफेक्शन करते हैं सबलिंगल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बाद जो डिसऑर्डर्स हैं सब मैडिकुलर ग्लैंड के उनको देखते हैं सब मैडिकुलर ग्लैंड के दो डिसऑर्डर्स मेन हैं जिसमें सेला एडीनाइटस है साइल एडीनाइटस और स्यालोलीथियजिज है एडिनाइटस मीन्स इन्फ्लमेशन हो रही है सब मैंडिपुलर ग्लैंड की एक्यूट भी हो सकती है क्रॉनिक भी हो सकती है एक्यूट में वायरल या बैक्टीरिया की वजह से होती है फिर जो यू क्यू आया हुआ है वो सियालो लिथियजिस में से आया हुआ है लिथिएजेस मतलब स्टोन बन गया है सब सब लिंग ग्लैंड जो हैं उनके अंदर स्टोन बन गया स्लिबरी ग्लैंड में मोस्टली जो स्टोन बनते हैं वो सब मैनुलर ग्लैंड में बनते हैं ठीक है जो कि क्या होते हैं स्टोन रेडियो ओपेक होते हैं मतलब उसमें नज़र नहीं आते और पार्शल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं सब सब मैनुलर ग्लैंड की इसका जो मेन क्लिनिकल फीचर होता है वो ये कि पेशेंट कंप्लेन करता है जब मैं खाना चबाना शुरू करता हूँ तो मुझे पेन होती है ठीक है तो स्टोन का पता चलता है कि इंटरमीडेंट पेन होती है कि पेनफुल जो है पेनफुल सब सरमेटबल फ्लैंड होता है कि जो खाने की वजह से होता है ठीक है और जैसे ही खाना छोड़ते हैं तो उसके एक से दो घंटे बाद पेन ख़त्म हो जाती है तो जब भी आपके पास पेशेंट आता है वो कहता है जब मैं खाना चबाता हूँ तो मुझे जो है इधर इस साइड पे पेन पे 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 होती है नीचे करके ठीक है जो जॉ वाला एरिया यहाँ पर तो हमने उसको सोचना है कि इसका स्टोन हो सकता है ठीक है इसके अलावा जो है वो अगर वहाँ पे स्टोन की वजह से वो सबमेन लैंड लार्ज भी हो सकता है फॉर्म हो सकता है और अगर हम बाय मैनुल एग्जामिन करते हैं सबमैन लैंड को वो टेंडर होगा क्योंकि अंदर स्टोन बना हुआ है ठीक है एक्चुअली जब भी हम जब खाना चबाते हैं तो सबमैन लैंड जो होता है वो स्लाइवर प्रोड्यूस करता है ठीक है तो स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा तो वो स्टोन अगर स्ट्रक्टेड है जिसकी वजह से स्लाइबा को वहाँ से पास आउट होने के लिए ड्रेन आउट होने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो वहाँ पे पेन क्रिएट करेगा इस वजह से ये जो है ना होता है ठीक है तो मैनेजमेंट क्या है कि ये स्टोन जो है ये हद बहुद उसकटीन्यूसली मूव कर जाता है हमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर फिर भी जो है वो ठीक नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा पेनफुल है पेशेंट जो है वो कह रहा है कि मेरी सर्जरी करो तो फिर हम क्या करते हैं उसकी डक्ट खोल के फोड़ा बॉथ में उसको हम स्टोन को रिमूव करते हैं और साथ में ग्लैंड एक्सचेंड कर देते हैं ठीक हो गया हेयर वी हैव द दैरोटेड ग्लैंड हेयर वी हैव द सब मैनिकर ग्लैंड यहाँ पे होता है दिस इज पेरोटेड ग्लैंड जो कान के आगे होता है और दिस इज सब लिंग ग्लैंड अगेन द पेरोड ग्लैंड दिस इज अ सब लिंग ग्लैंड एंड दिस इज अ सब मैनिकर ग्लैंड स्टोन्स को देखने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसमें सी करवा सकते हैं विच इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ चॉइस इसके अलावा प्लेन फिल्मस करवा सकते हैं जिसमें हम जो है वो स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है हाइड्रेशन इसके अलावा मसाज कर सकते हैं हीट के साथ क्योंकि पेन है एंटी इन्फ्लेटरी मेडिसिन ले सकते हैं अगर इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं स्टोन्स को रिमूव करेंगे सैलेंट डोस्कोपी दो, करेंगे जिससे हम उसको स्टोन को जो है लोकलाइज करेंगे सिलेवरी ग्लैंड को देख के और फिर हम इफेक्टेड ग्लैंड की सर्जिकल एक्सीन कर देंगे जो सब ग्लैंड होता है उसके जो ट्यूमर्स होते हैं फिफ्टी परसेंट केसेज में बिनाएं होते हैं फिफ्टी परसेंट केसेज़ में मिलिगनेंट होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि सब मैडिबुलर ग्लैंड का जो ट्यूमर है ठीक है जैसे आइज यू कैन सी हेयर तो ये मिलिग्नेंट हो गया अगर एकदम से उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाए और फेशियल नर्व जो क्योंकि वो, वो इसके करीब भी पड़ी होती है उसकी इन्वॉलमेंट होना शुरू हो जाए स्किन जो है वो अल्सर होना शुरू हो जाए अल्सर बनना शुरू हो जाए स्किन के ऊपर या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स बड़े होना शुरू हो जाए इसका मतलब कि ये ट्यूमर जो है इसकी अब अभी मिलिग्नेट हो गया ठीक है मतलब तो फैल रहा है साइज़ बड़ा हो गया फेशियल नर्व के ऊपर कंप्रेशन दे रहा है सर्वाइकल लिम्फ इम्फिनोपैथी हो रही है और अल्सरेशन ऑफ स्किल कॉज स्किन कॉज कर रहा है तो ट्यूमर्स को देखने के लिए क्या होता है सी टी एम आर आई होते हैं जो कि एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर बताएंगे और एफनेक होता है जिस यूज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द मिलिगनेंट from द benign ठीक है ट्रीटमेंट क्या होगा हम उस ट्यूमर की सर्जिकल एक्सन करेंगे ग्लैंड की और अगर कैंसर है प्रेग्नेसी है तो नेक डा भी हम करेंगे फिर पिरोड़ेट ग्लार्ण। पिरोड़ेट ग्लार्ण होता है पेरोडेड ग्लैंड पेरोडेड ग्लैंड कहाँ होता है जैसे मैंने आपको बताया एंगल ऑफ मैंडबल पे जो है एयर कैनल जो है उसके आगे होता है और इस ऊपर इसके जय होता है नीचे इसके जो है वो पीछे इसके एयर किनाल होता है कान होता है और ऊपर इसके होता है और मीडियली uh, जो है इसके पैराफ्रेंजल स्पेस होती है ठीक है और इसके अलावा नीचे क्या होता है स्टेनोक्डोमेस्टोड मसल होता है और डाइगेस्ट्रिक मसल्स होते हैं, मसल हैं, मसल हैं। फेशियल नर्व जो है जैसे ही ऑफ uh, स्टाइलोमेस्टोयड फॉर्मन से निकलती है तो ये पैरोटेड ग्लैंड के अंदर घुस जाती है और वहाँ पे जाके अपनी पांच ब्रांचेस देती है ठीक है जो पार्ट है ग्लैंड का जो मीडियल है फेशियल नर्व के उसको डीप लोप कहते हैं और जो नर्व के लैटरल है उसको सुपरफिशियल फेशियल कहते हैं जो पेरोटेड ग्लैंड होती है उसको जो उसका पैरासिम्पथैटिक सप्लाई मिलता है वो पोस्ट सैनिप्टिक पोस्ट एंग्रॉनिक फाइबर से मिलता है और जो कि ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है ठीक है ये आपको फेशियल नर्व दिखाई दे रही है जो कि यहाँ से निकल के पाँच अपनी ब्रांचेस देती है दिस इज़ पेरोटेड ग्लैंड इसके पीछे क्या है कान है इसके ऊपर जायगोमेटिक बोन होती है इसके नीचे स्टर्नोप्री मसल है ठीक है और जो है इसके जो है हम कह सकते हैं मीडियली जो अंदर की तरफ हम कह सकते हैं पैराफिटल स्पेस होती है पेरोटेड डक्ट जो होती है पेरोटेड डक्ट ठीक है इसके बारे में ये होता है कि ये टू इंचज़ लॉन्ग होती है फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लैंड से निकलती है और जो है ये कहाँ पे जाके एंटर करती है सेकेंड अपर मोलर टूथ टूथ में जा एंटर होती है ठीक है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये पेरोटेड डक्ट है इंटीर पार्ट ऑफ ग्लैंड से निकल रही है टू इंचेस की है और फिर ये मेजटर के ऊपर से गुजरती है ठीक है वेजटर मसल होता है और फिर जो ये बक्सीनेटर को पेयर्स करती है अंदर जाके और फिर सेकेंड अपर मोलर टूथ के ऑपोजिट जो है ये ओपन होती है पेरोटेड ग्लैंड में आपको पता है वायरल इन्फेक्शन मॉम्स होता है जो कि बायोट्रल पेनफुल स्क्रॉल पेरोटेड स्वेलिंग कॉज करता है और ये एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से जो है आपको पता है माम्स जो ट्रांसपिट होता है अगर एक दफ़ा माम्स का इन्फेक्शन हो जाए लाइफ लाइंग इम्यूनिटी होती है और इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है पेरोटेड लाइन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब होता है जब जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स होते हैं उनका स्लीवरी फ्लो डिक्रीज़ हो तो वहाँ पर स्टेफ ऑरियस जो इन्फेक्शन कॉज करता है ऑब्वियसली जब पेरोटेड लाइन की इन्फेक्शन हो जाएगा बैक्टीरियल तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल टेंडर हो जाएगा पेशेंट को फीवर हो जाएगा खाने पीने में प्रॉब्लम होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे अगर एप्सिस है तो उसकी नील रेस्पायरेशन करेंगे और उसकी ड्रेनेज करेंगे एनस्थीजिया ठीक है तो ये सिंपल था उसके बाद एक चीज़ होती है रिकरेंट पैरोटाइटिस ऑफ चाइल्डहुड इसमें यह होता है कि पेरोटेड लैंड दोनों स्वेल हुए होते हैं फीवर में लेज के साथ पेशेंट आता है उनको खाने पीने में प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली पेरोटेड लैंड है तो आ, लेकिन इसमें पास नहीं होती या और बाकी है कि रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं तो अल्ट्रासाउंड और सैलोग्राफी से हम जब देखते हैं तो स्नो स्प्राम पेरेंस मिलती है ये सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट हम इसका करते हैं फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारे पेरोटेड ट्यूमरस होते हैं मोस्ट कॉमन जो हमारा पेरोटेड ग्लैंड है ना उसका ट्यूमर जो है ना मोस्ट कॉमन है जिसमें बिनाइन ट्यूमर्स में से मोस्ट कॉमन जो है वो प्लियोमॉर्फिका एडिनोमा है आपको इसकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए ये आपको पैथोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि पेरोटे ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन तो बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं मेलेग्नेट ट्यूमर्स हो सकते हैं बिनाइन ट्यूमर्स में दो आते हैं एडिनोमा और मोनोमॉर्फिक एडिनोमा जिसको बॉर्डेंस ट्यूमर कहते हैं और मेलेग्नेट ट्यूमर्स में लो ग्रेड और हाई ग्रेड होते हैं लो ग्रेड में क्या है एसिनिक सिस्टिक एसिनिक सेल कार्सिनोमा एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा और म्यूकोपिड लो ग्रेड हाई ग्रेड में क्या है एडीनो कार्सिनोमा स्क्मासल कार्सिनोमा और हाई ग्रेड म्यूकोपिडोम कार्सिनोमा इसके अलावा लिम्फोमा और सेकेंडरी से टूमर्स होते हैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज प्लेमार्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर जो ग्लैंड का है दैट इज एडिनोमा इसमें आपको पता है मिक्स्ड सेल ट्यूमर होता है जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं एपीथीजियल एलिमेंट्स होते हैं और मीजोडर्मल एपिथी एलिमेंट्स होते हैं जो मीजोडोमल इसके एलिमेंट्स होते हैं वो माओपीथीजियल सेल्स में से आते हैं और आपको पता है इसका हमने दो लोब्स पढ़े हैं एक सुपरफेशियल लोब होता है और डीप लोब होता है तो मोस्ट कॉमन जो लोब होता है पेरोटेड लैंड का सुपरफिशियल वो इन्वॉल्व होता है एडनोमा में तो मिक्स सेल ट्यूमर है एपिथेलियल कॉम्पोनेंट्स भी हैं मेसोडर्मल कॉम्पोनेट्स भी हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि बहुत ऐसा 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 ग्रो करता है एंगल ऑफ मैंडिबल पे ठीक है और ये मूव नहीं होती स्वेलिंग क्योंकि ये आपको नज़र आ रही है स्वेलिंग ठीक है एक साइड पे यूनिट्रल है मूव नहीं होती है, एक जगह फिक्स होती है और इस तरह बनी होती है ट्यूमर और की फेशियल नर्व इसमें इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि ये ना एक बिनाइन ट्यूमर है लेकिन ये मेलेगनेंट बन सकता है तो मेलेग्नेंट के क्या फीचर्स होंगे वही जो हमने सब मैंने ग्लैंड के देखे थे कि एकदम से साइज इंक्रीज़ हो गया उसने स्किन की सल्सरेशन कॉज करना शुरू कर दिया फेशलियल पॉलिसी करना शुरू कर दिया सर्वाइकल सर्वाइव करी कॉज करना शुरू कर दिया इसका मतलब ये मेलेगनेंट हो गया तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपने याद रखते हैं इन्वेस्टिगेशन किसी भी ट्यूमर के हम क्या करते हैं सी टी एम आर आई और एफ टैक करते हैं ट्रीटमेंट क्या हम करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर देंगे सुपरफिशियल पैरोटिड पैरोटिडेक्टमी सुपरफिशियल लोब इन्वॉल्व होता है ना उसको ठीक है फेशियल लोब को ख़राब नहीं करना उसका ध्यान रखना मोनोमॉर्फिक एडिनोमा वार्डन ट्यूमर तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसका दूसरा एडीनोलिम्फोमा होता है मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है सो so, ये जो यंग गर्ल है इसका मैंने आपको बताया सॉफ्ट लक्चुअन स्वेलिंग अगर सब मेंटल मेंटेबल रीजन में मिल रही है और जो है प्रजेंट्स सॉरी ये है पेनलेस सिस्टिक स्वेलिंग ऑफ वन सेंटीमीटर साइड प्रजेंट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ लोअर लिप ट्रांस इल्यूमिनेंट है तो अब आ, हमने पढ़ा लोअर लिप अपर लिप होती है और लोअर लिप होती है ठीक है अब ये आपको कहाँ मिल रही है पेनलेस है तो कोई पेन नहीं है सिस्टिक स्वेलिंग है वन सेंटीमीटर साइज की इनर सरफेस ऑफ लोअर लिप ठीक है इधर ऐसे करके अंदर की तरफ है तो दिस तो इज़ सिस्टिक स्वेलिंग और ऊपर से ना Uh, ये लोअर लिप के ऊपर अंदर सर्फेस ठीक है फ्लोर ऑफ माउथ में नहीं है फ्लोर ऑफ माउथ इसको आपने रेन्यूला से कन्फ्यूज करना फ्लोर ऑफ माउथ में होगी तो वो रेन्यूला होगा दिस इज ऑन द लोअर लिप के अंदर साइड पे और सिस्ट सी बनी हुई है तो दिस इज वॉट दिस इज सिस्ट ऑफ माइनरी माइनर स्लिवरी क्लैंड ठीक है तो वट इज द यूजल कॉज ऑफ दिस तो दैट इज़ ट्रामा टू द ओवरलाइंग मिकोजा मैनेजमेंट इसके क्या होती है सर्जिकल एक ऑफ ओवरलाइंग मिकोजा एंड अंडरलाइंग माइनर ग्लैंड्स ठीक हो गया उसके बाद आया टीन एज गर्लेंट सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन द सब मेंटल रीजन ऑन इंट्रा ऑरल एग्जामिनेशन बल्ज इज ऑल्सो सीन इन फ्लोर ऑफ माउथ अब देखिए फ्लोर ऑफ माउथ पे सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है दिस इज रेन्यूला वाट इज द पेथोलॉजी ऑफ दिस लियन तो आपने बताना है म्यूकस रिटेंशन हो जाती है ऑफ द सब म्यूकोस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सब लिंगल सेलिबी ग्लैंड ठीक है तो माइनर म्यूकोस रिटेंशन सिस्ट डेवलप्स इन द फ्लोर ऑफ माउथ इधर फ्राम एन ऑब्सट्रक्टेड माइनर सेलिब्री ग्लैंड और फ्राम सब लिंगुल सेबरी ग्लैंड मोस्ट कॉमनली सब लिंगुल ग्लैंड जो होता है ना उसकी ऑब्सट्रक्शन की वजह से एक म्यूकस रिटेंशन सिस्ट बन जाती है मतलब कि म्यूकस का इकट्ठा होकर एक सिस्ट बना देता है तो फोलोफ माउथ में उसके बाद कहते हैं वट विल द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोनेशन टेस्ट इट विल भी पॉजिटिव बिकॉज ये ट्रांसलमिनेंट होती है इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एम आर आई करवाएँगे वापसी करवाएंगे ट्रीटमेंट क्या होगा वैसे तो रिजॉल्व कर लेता स्पॉन्टेनियसली लेकिन हम इन सी एन ड्रेनज करेंगे रेन्यूला की एक्सी एन कर सकते हैं मार्शपलाइजेशन कर सकते हैं मार्शबलाइजेशन विद पैकिंग कर सकते हैं कम्प्लीट एक्सचेंज ऑफ रेन्यूला विद सबलिंगुअल लिंग्वेज लैंड कर सकते हैं ठीक है ये हमने जो है ना ई एन टी में भी पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो ये हमारा हो गया देन क्वेश्चन देखें थर्टी टू ईर्स ओल्ड फीमेल अटेंड्स अ सर्जिकल आउट पेशेंट क्लिनिक उसको क्या प्रॉब्लम है रिकरेंट राइट सब मेडिबुलर स्वेलिंग हो रही है बार बार उसको जो है ना सब मेडि ग्लैंड की स्वेलिंग हो रही है और लो ग्रेड फीवर भी चल रहा है स्वेलिंग बिकम्स बिगर इन साइज ड्यूरिंग ईटिंग ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन शी हैज रेडनेस एंड टेंडरनेस इन द राइट मेडिबुलर एरिया विद पोअर ओडोरेंटल हाइजीन एक्सरे पे हमें जो है ओपेसिटी मिल रही है सबलिंगुअल एरिया में सो दिस विल बी एक्यूट सपोरेटिव सब मैंडिगुलर साइल एडीनाइटिस ड्यू टू साइलोलिथेसिस ठीक है मतलब कि स्टोन बना हुआ है और उसकी वजह से साइल एडीनाइटिस हुआ हुआ है ठीक है इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो एक्यूर्ट सपोरेटिव है्यूरेनेस मतलब इन्फ्लेटरी साइंस आपको फील हो रहे हैं ना इसमें और ईटिंग के वक्त वो बड़ी होती जा रही है मतलब कि स्टोन की वजह से उसकी इन्फ्लामेशन हो रही है ठीक है थ्री डीडीज आपके क्या हो सकते हैं यू कैन सस्पेक्ट एनी मतलब यहाँ पे स्वेलिंग है यू कैन सस्पेक्ट एनी वॉर्द ट्यूमर ऑन ऑन कोसाइटोमा जोग्रेन सिंड्रोम ठीक है तो ये हो गया उसके बाद आते हैं स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ राइट लोअर जो फॉर टेन ईयर्स ठीक है दस साल से उसको राइट लोअर जॉ में के एंगल पे क्या है पेनलेस स्वेलिंग है पेनलेस स्वेलिंग है ठीक है पेनलेस है इट वॉज स्मॉल विद नो नॉट मच चेंज इन साइड बट फॉर द लास्ट वन मंथ इट हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग मतलब रिसेंट इंक्रीज इन साइन है साइज है ठीक है और एग्जामिनेशन स्वेलिंग जो है वो आपको फॉर्म कंसिस्टेंसी की वे मिली है और उसकी मोबिलिटी भी नहीं है तो अभी आपको कोई कैंसर टाइप लग रहा है कि फॉर्म है कंसिस्टेंसी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है और एकदम से साइज बड़ा हो गया और है और पेनलेस है ठीक है स्किन जो है नॉर्मल है वट टाइप ऑफ स्वेलिंग पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सब मेडिकलर ग्लैंड ट्यूमर लग रहा है वॉट चेंज माइट हैव अकर्ड इन इट फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं कि इट इज़ कन्वर्टेड टू मेलेग्न फॉर्म क्योंकि उसका साइज एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया स्ट्रक्चर्स जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर शुड डू शुड बी डन इन दिस पेशेंट तो हम जो है किसकी एग्जामिनेशन करेंगे यहाँ पे जो नर्व्स होंगी हाइपोग्लोसल नर्व लिंग नर्व और इसके अलावा फेशियल आर्टरी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स टू चेक द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर एंटीरियर फेशियल बेन को देखेंगे और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व बाई क्लैचिंग रतीत ठीक है तो इन सब की हम एग्जामिनेशन करेंगे हाइपोग्लोसल नर्व लिंग नर्व फेशियल नर्व फेशियल आर्टरी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंटीरियर फेशियल वेन ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे सर्जिकल सीन विद रेडियल नेक डाइसेक्शन रेडियो रेडियोथेरेपी देन इज ट्वेंटी नियर द एंगल ऑफ जॉ पोस्टर इनफेयर टू द ईयर लोब अब ईयर लोब के बिल्कुल आगे ठीक है मतलब कि ईयर लोब के बिल्कुल जो है ना नीचे करके है चार महीनों से राइट साइड इड स्वेलिंग नियर द एंगल ऑफ जॉ देर इज़ नो चेंज इन साइज विद स्वेलोइंग एंड इज नोट नॉन टेंडर ठीक है स्वेलिंग के साथ साइज इंक्रीज नहीं हो रहा मतलब दिस इज नॉट एनी साइलेंट नाइटस मतलब के साइलेंट you know, uh, जो है आपकी सब सब मैंटल लैंड का जो है ना कोई इसमें चेंज नहीं है ठीक है नॉन टेंडर है सो दिस इज़ थ्री मोस्ट कॉमन डीडीज आप उन्होंने हैं तो इट विल भी प्रियोमार्फिक मोनोमोर्फिक मोनोमॉर्फिकडीनोमा मिलिग्नेट ट्यूमर्स ऑफ पेरोडिट लैंड तो कॉमन साइज ऑफ मेलिगनेंसी तो वो हम पढ़ लिए हैं कि मेलेगनेंसी की क्या है साइंस रिसेंट इंक्रीज इन साइज इन्वालमेंट ऑफ स्किन सर्वाइकल इन्फोडिनोपैथी फेशियल नर्व पॉलिसी एंड फिक्सड हार्ट स्वेलिंग एट पेरोड रीजन थ्री कॉम्प्लिकेशन ऑफ़ द प्रोसीजर ड्यू टू इंजरीज ऑफ द सराउंडिंग नर्व्स सराउंडिंग नर्व्स में क्या क्या हो सकता है फेशियल नर्व की वीकनेस हो सकती है फ्रेस सिंड्रोम हो सकता है वो हम पढ़ते हैं भाई क्या होता है हिमाटोमा बन सकता है और सिरोमा बन सकता है ठीक है कि जब हम इसको रिमूव करेंगे इस स्वेलिंग को तो उस दौरान क्या क्या इंजरी हो सकता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन आपने बतानी है तो आपने बताना है फेशियल वीकनेस हो सकती है फ्रेश सिंड्रोम हो सकता है हिमाटोम और सिरोमा बन सकता है थर्टी फाइव इयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट ओपीडी विद्री इंटू टू सेंटीमीटर स्वेलिंग इन द एंगल ऑफ मेडिपल

सुपर फेशियल टेम्पोडल वेजल को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व को और पोस्टिर ऑरिकुलर नर्व को ठीक है तो कौन कौन सी हैं फेशियल नर्व सुपरफेशियल टम्पोरल वेजल ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड पोस्टर ऑरिकुलर नर्व ठीक है पोस्टर ऑरिकुलर बेन भी होती है ऑर्ट्रिबल नर्व भी तीनों को जाना होता है उसके so, कॉम्प्लिकेशनस क्या हैं Uh, इस सर्जरी की है जब रोटेड क्लैंड की रिमूवल करेंगे तो क्या क्या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है हीमोटोमा बन सकता है फे सिंड्रोम हो सकता है फेशियल नमनेस हो सकती है फेशियल में वीकनेस हो सकती है और uh, नमनेस हो सकती है ड्यू टू ग्रेट ऑल डैमेज ठीक हो गया उसके बाद कहते हैं थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड शोल्डर प्रजेंट स्लोली ग्रोइंग पिंग प्लेनलेस स्वेलिंग बिलो द लो लोब्यूल ऑफ लेफ्ट एयर तो ट्यूमर जो है वो पेरोड कर रहा है हाउ यू क्लासीफाई द पेरोटेड ट्यूमर तो क्लासीफिकेशन पेरोटेड ट्यूमर्स क्या होते हैं बेनाइन ट्यूमर जिसमें प्लेमार्फिक एडिनोमा और मोनोमॉर्फिकडिनोमा जिसमें वार्डनस ट्यूमर है और कार् मेलेग्नेट ट्यूमर्स में लो ग्रेड और हाई ग्रेड लो ग्रेड में एसिनेक्सल सेल और एडिनॉइसटिक और हाई ग्रेड मेंोकारा और उसका मसल कार्सनोमा और म्यूकोपिडरमोड जो है वो लो ग्रेड हाई ग्रेड हो सकता है ठीक हो गया नेक्स्ट पार्ट हम ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैफ्टी करते हैं